फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास स्टार डेल्टा का काटा स्टार्टर है फ्रेंड। इसके मैंने यहाँ पर सर्विसिंग यानी कि रिपेयरिंग की फ्रेंड। ये इसका मेन कोइल वगैरह निकल चुका था फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेंड। ये एक स्टार टूटा डेल्टा पे नहीं चल पा रहा था फ्रेंड। इस प्रकार के रिपेयरिंग की वीडियो अगर आपको जानना सीखना है इसके बारे में सब कुछ फ्रेंड मेरे आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जाकर इसको विजिट कर सकते हो, वहाँ पर इसका आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर के साइड में से मैग्नेट कोइल निकल के आया हुआ है फ्रेंड। हमने इस वायर को यहाँ से फ्रेंड निकाल कर दोबारा असेंबल किया, ये काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस सही से करने लगा फ्रेंड। साथ साथ में इसके स्टार्टर की वायरिंग आटा स्विच की जो वायरिंग है फ्रेंड वो भी हमने इसमें डाली फ्रेंड। अगर आपको स्टार डेल्टा आटा स्विच में फ्रेंड हमारे जो कि रिले के साथ में पॉइंट के साथ में अटैच करके फिर अगर आपको आटा स्विच की वायरिंग करना नहीं मालूम है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके हम आपको बहुत ही अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। साथ में देख सकते हैं कि हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है फिर हमारे पेज को फॉलो करें। साथ में अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे हमारा रिले यूनिट होता है फिर, क्योंकि पहले स्टार से कनेक्ट करके फिर डेल्टा पे हमको कन्वर्ट करता है फिर, यानी कि हमारा स्टार्टर फिर जो कि तीन झूले का जिसको बोला जाता है फिर ये स्टार डेल्टा पे कन्वर्ट होता है फिर यहाँ पर इस प्रकार से फिर। इसी के साथ साथ में फिर हमने इसकी संपूर्ण वायरिंग की, इसके बाद में इसमें आटा स्विच की वायरिंग भी करने वाले फ्रेंड। अगर आप इसके आटो वायरिंग अगर सीखना जानना है फिर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।